बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, मैक्सिमम यूजर्स तक, मैक्सिमम कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए चाहिए होता है एक प्रोमोटर। तो यहां पर दोस्तों, क्या है ये प्रोमोटर्स, ये कैसे आपको लुभाते हैं और कैसे ये प्रोडक्ट की जो सेल है उसको बढ़ाते हैं, आइए दोस्तों जानते हैं ये सब। मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एक प्रोमोटर करता क्या है। तो यहाँ पर जब भी कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में कुछ पता नहीं होता, किसी को नहीं पता होता कि कंपनी क्या लॉन्च कर रही है, क्या उसमें फीचर्स हैं और कैसे वो उनकी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर कंपनीज मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेती है। तो यहाँ पर मार्केटिंग में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि बैनर टांगे जाते हैं, वेबसाइट में एड चलवाई जाती है, यूट्यूब या फिर कमर्शियल मीडिया में काफ़ी सारी दोस्तों यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी अपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं, कोशिश करती है कि मैक्सिमम यूजर्स को इसके बारे में पता चल पाए। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के पास काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, बट दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऑप्शन जो कि आजकल स्पेशली दोस्तों कहा जाए इस डिजिटल वर्ल्ड में, जब दोस्तों हर चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, हर किसी के पास इंटरनेट की एक्सेस है, तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के लिए काफ़ी आसान हो जाता है प्रोडक्ट को प्रमोट करना। तो यहाँ पर कंपनी सहारा लेती हैं ऐसे लोगों का जिनकी दोस्तों काफ़ी फॉलोइंग हो, मतलब कि काफ़ी लोग उनको सुनते हो, उनसे इन्फ्लुएंस होते हो। तो यहाँ पर कंपनी उनको प्रोडक्ट देती है, कहती है कि इस प्रोडक्ट के बारे में अपने फॉलोअर्स को बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से एक प्रोमोटर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर प्रोमोटर का काम ये होता है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करे, लोगों को मैक्सिमम पहुँचाए। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोमोटर कंपनी की एक तरह से हेल्प करता है प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने में। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि एक प्रोमोटर का इससे क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर फायदे वाइज प्रोमोटर को मैं चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली कैटेगरी मतलब कि स्टेज वन प्रोमोटर, जो कि दोस्तों शायद जाने अनजाने किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर बैठता है, मतलब कि उसको कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं भेजती है, वो उस फील्ड में वर्क कर रहा होता है, तो यहाँ पर उसको वो प्रोडक्ट दिखता है कहीं पर सोशल साइट पर या फिर किसी मीडिया पर या फिर किसी इवेंट पर, तो यहाँ पर वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है और अपने जो दर्शक हैं या फिर अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको वो बताता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली वो उस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर बैठता है। तो यहाँ पर ऐसे प्रोमोटर्स आपको बिल्कुल सही बताते हैं, वो बताते हैं कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट में क्या है, क्या नए फीचर्स हैं और आपको क्या ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या फिर नहीं। तो ये स्टेज वन प्रोमोटर है जो कि दोस्तों एग्जैक्टली आपको सब कुछ सही बताता है। अब दोस्तों स्टेज टू मतलब कि दूसरे नंबर का प्रोमोटर, जिसको कंपनी एग्जैक्टली में प्रोडक्ट भेजती है। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि उस प्रोमोटर को क्या फ़ायदा, क्योंकि कंपनी ने तो पैसे दिए नहीं और जो प्रोडक्ट भेजा है वो शायद कंपनी वापस भी ले ले। तो यहाँ पर उसका फ़ायदा ये है कि उसको जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी पहले मिल जाता है, मतलब कि लॉन्च से पहले, और ऐसे केस में वो उस प्रोडक्ट को पहले इंट्रोड्यूस करवा के अपना जो कंज्यूमर बैंक है या फिर अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको वो बढ़ा सकता है। और दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म पर वो वर्क कर रहा होता है, मतलब कि सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से उसको फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली अभी भी उसको फ़ायदा ही मिल रहा है। तो ऐसे केस में अगर उसको किसी प्रोडक्ट की वजह से फ़ायदा मिल रहा हो तो यहाँ पर दोस्तों वो थोड़ा सा बायस हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ नेगेटिव बोलेगा, थोड़ा सा भी नेगेटिव बोलेगा, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो कंपनी है उसको प्रोडक्ट ना भेजे। और यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि उस प्रमोटर को स्टेज थ्री में जाना होता है, मतलब कि कंपनी से प्रोडक्ट भी लेना होता है और यहाँ पर कुछ पैसे भी। तो यहाँ पर उसका जो मोटिव होता है वो होता है कि कंपनी से अच्छी बनाए रखे और यहाँ पर जो कंज्यूमर बैंक्स है या फिर जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको भी अच्छा दिखाता रहे। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेज थ्री प्रोमोटर की। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रोमोटर कंपनी से पैसे भी लेता है और प्रोडक्ट भी लेता है।
और यहाँ पर कंपनी उसको पैसे देने के बाद डायरेक्टली कहती है कि आप इस प्रोडक्ट का ऐसा कोई भी तथ्य या फिर ऐसे कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं बताओगे जिससे इस प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रेशर होता है। तो जो प्रमोटर है वो पैसे लेके प्रोडक्ट का एक बायस रिव्यू कर देता है। तो यहाँ पर आपने ऐसे प्रमोटर्स को भी देखा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ स्टेज की प्रमोटर्स की, जो कि कंपनी से प्रोडक्ट भी लेते हैं और पैसा भी लेते हैं। और अगर कंपनी प्रोडक्ट ना भेजे, पैसे ना भेजे, तो ऐसे केस में जो कंपनी की नैया है वो डूब जाती है, क्योंकि ये लोग इतना नेगेटिव बोलते हैं, उसके बाद जो कंपनी है वो दोस्तों कुछ नहीं कर पाती है और उनका जो प्रोडक्ट है वो तो जाता ही जाता है, साथ में जो कंपनी की नैया है मतलब कि जो कंपनी की इमेज है वो भी बर्बाद होती है। तो दोस्तों आपको इस टाइप के चारों प्रमोटर्स ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट दोनों में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अब आप खुद ही देख लीजिए कौन सा प्रमोटर्स किस कैटेगरी का है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि जितने भी प्रमोटर्स हैं आपको आज दिखाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये बढ़िया है, आपको इस प्रोडक्ट को ले लेना चाहिए। कल दिखाएंगे कि ये बढ़िया है इसको ले लेना चाहिए। परसों दिखाएंगे कि ये बढ़िया है इसको ले लेना चाहिए। और कहीं आप इनके इन्फ्लुएंस में आके किसी प्रोडक्ट को ले लेते हो तो कल परसों या फिर 3-4 दिन के बाद आप इनके चैनल पर खुद ही दिखोगे, इनकी वेबसाइट पर खुद ही दिखोगे कि अब ये प्रोडक्ट उतना बढ़िया नहीं रहा, अब आपको इसको ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी जो जुबान है या फिर इनकी जो कलम है वो हमेशा बदलती रहती है। वो आज इसको प्रमोट करते हैं, कल उसको प्रमोट करते हैं, कैटेगरी भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। तो यहाँ पर दोस्तों कब तक आप इनको फॉलो करोगे? यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% जो आपको वीडियोस मिलती हैं या फिर ब्लॉग मिलते हैं या फिर वेबसाइट में आर्टिकल मिलते हैं वो आपके गलत हैं, उसमें आपसे चीज़ें छुपाई जाती हैं, बट दोस्तों यहाँ पर 90% सब ऐसे ही हैं जो कि इन्फ्लुएंस में आके पैसों के चक्कर में आके आपको गलत बताते हैं, गलत गाइड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये जितने भी प्रोमोटर्स हैं, मार्केट इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। इनको बोलने की काफ़ी अच्छी कला आती है, तभी कंपनी इनको अप्रोच भी करती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप ठीक है इनको सुनते हो तो बढ़िया करते हो, बट दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आँख बंद करके इन पर भरोसा मत कीजिए। ये दोस्तों आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाते हैं। यहाँ पर कारण दोस्तों कुछ भी हो, इनको ग्रो करना है, आगे कंपनी को अप्रोच करना है या फिर कंपनी इनको अप्रोच करेगी, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये बेस बना रहे हैं, जो भी दोस्तों यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर आपको आँख बंद करके इन पर भरोसा नहीं करना है, अपना दिमाग भी लगाना है और उसी के बाद डिसीजन लेना है कि आपको जो ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उनको लेना है कि नहीं लेना है। तो यहाँ पर पैसा आपका है, प्रोडक्ट भी बाद में आप ही का होने वाला है, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे दोस्तों कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाती है, कैसे ये जो प्रमोटर्स हैं ये कंपनी से फ़ायदा लेते हैं और आपसे भी फ़ायदा उठाते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि ये जो प्रमोटर्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे ये मार्केट को पूरा चेंज कर देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।